अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बाग बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज हम जो है ना अपने डक्स का जो है ना अच्छा सा पॉन्ड बनाएंगे जिसमें वो खेलेंगी। और इस पॉन्ड में ज़रा सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दो ग्रुप्स बनाएंगे, देखेंगे किसका पॉन्ड ज़्यादा अच्छा होता है और किसका अच्छा नहीं होता। तो ये तो आप डिसाइड करेंगे और हम बनाने जा रहे हैं अभी पॉन्ड। तो हमारे टोटल चार मेंबर होंगे, एक है जुबैर, एक पेपी और एक नुमान। तो इनको है ना हम दो ग्रुप बनाएंगे, जिसमें मेरे ग्रुप में पेपी होगा और नुमान के साथ जुबैर होगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हम यहाँ पर जो है ना अपना पॉन्ड बनाने जा रहे हैं, और अभी ये जगह जो है ना सेफ ने साफ कर दी है। हेलो गाइस। हाँ, तो अभी हम जो है ना इस जगह पे खड्डा मारेंगे। तो स्टार्ट हो जाओ सेफ, ये देखें जी। दोस्तों अभी हम जो है ना ये वाला ऐसे नक्शा बनाएंगे, ऐसे ये और ये हम पहले जो है ना एक डब्बा सा बनाएंगे, फिर बाद में इसको हम जो है ना अंदर से जो है ना सर्कल बना देंगे, पॉन्ड टाइप बना देंगे। लेकिन अभी हम जो है ना इसको एक डब्बे की फॉर्म में जो है ना खोदना स्टार्ट कर रहे हैं। ये मिट्टी जो है ना बड़ी पथरीली है इस जगह पे। दरअसल पहले ये था कि इस प्लांट में जो था ये कचरेदान था सारा एक किस्म का। तो यहाँ पे जो है ना जरा सा भी खोदते हैं बीच में पत्थर आते हैं या कचरा आता है, दो चीजें आती हैं। वो देखें वो पौधे मैंने लगाए ना, ये बड़ी मुश्किल से हमने लगाए थे। यहाँ पे जमीन इतनी गंदी थी, ये देखें तब ये पौधे अच्छी तरह ग्रो भी नहीं कर रहे। ये मैंने तीन तीन साल पहले वो पाले सारे पौधे लगाए हैं। तो दोस्तों ये रहा जी हमारा पॉन्ड, माशाल्लाह बन चुका है। और अभी हम जो है ना इस चीज सीमेंट पड़ा हुआ है ये हमारे पास। ओ शिट, ये तो सख्त हो चुका है। ओहो शिट यार, ये तो मुझे लगता है इसके ऊपर शायद बारिश लगी है ना। तो इसको रखा मैंने अंदर था, पिंजरे के अंदर था, लेकिन फिर भी कहीं से बारिश लग गई है। अभी ये बहुत मजबूत हो चुका है, शायद हमें शापर से ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके अंदर हम शापर रखेंगे अच्छा सा, ताकि पानी जमीन में जज़ब ना हो। मुझे लगता है काफी होगा जुबैर, ये थोड़ा सा और खून ले। नहीं नहीं बहुत है इतना, बस इसकी सफाई कर लो आप और बेहतरीन बन जाएगा। अभी रुको मैं आपको छोटे वाला जो है ना वो खुरपा से होता है वो मिला के देता हूँ। गड्ढा बन चुका है तो कुछ है, थोड़ा सा काम रह गया, देखें बस ऐसे कोने बना रहा हूँ। काम मेन मेन सारा हो चुका है अभी। हाँ, वो तो हो चुका है। ये देखें दोस्तों ये मट्टी बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, अभी हम जो है यहाँ पे। तो गाइस यार बड़ी मुश्किल है, ये गर्मी में गड्ढे मारना। अभी देखें मेरे यहाँ से 11-12 बज रहे हैं और बहुत सख्त किस्म की गर्मी है इस वक्त। तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, हम इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मैंने आपको अपने ग्रुप से नाम नहीं बताया, तो मेरे ग्रुप का नाम है जी पाक ग्रुप और इनका विलेज ग्रुप। तो इनका ये है सारा सिस्टम। तो यार आप बताओ ना आप किस सीक्वेंस से ये पॉन्ड बनाने जा रहे हैं, मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। आ चुके हैं ये हमारा चढ़ने का। अच्छा ये फुटपाथ है, यहाँ से जाएंगी ऐसे पानी। तो यार ये तो बड़ा प्यारा है यार, इनोवेटिव आपने आइडिया लाया है ये पॉन्ड बनाने का। दोस्तों अभी ये जो है ना जमीन हमने खोद तो ली है, लेकिन ये जो है ना कच्ची, ये देखें मट्टी निकल आती है। तो इसका हल ये है कि कुछ बारी चीज इनके ऊपर लगेगी तो ये सख्त हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है ना इसमें पैर भी मारेंगे, लेकिन पाँव भी किसी मजे के नहीं है। ये पत्थर लगा दे, ये पत्थर हमने रखा हुआ है, इसको हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे जमीन में मारेंगे। इससे ये होगा कि जमीन सख्त हो जाएगी, इसमें से फिर मट्टी नहीं निकलेगी। फिर हमारा खड्डा तो बन चुका है सारा, अभी हम जो है इसमें शापर लगाएंगे। तो शायद शापर लेके आओ ना, ये रहा शापर। तो गाइस ये रहा शापर, अभी हम जो है ना देखते हैं इसमें से अच्छे वाला जो पार्ट है उसको लगा देंगे। तो दोस्तों ये शापर हमारा पुराने वाला होगा, जब आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जब हमने ये शापर पिंजरे से उतारे थे। दरअसल ये सर्दियों में हमने लगाया था बारिश से बचाने के लिए पिंजरे को, और अभी हम यही वाला डालेंगे। जुबैर भाई ये क्या बना रहे हो आप? यार ये असल में हम पाथ सा बना रहे हैं ताकि वो इधर से इधर ना आ जाए। अच्छा रास्ता बना रहे हो, डायरेक्ट ऊपर जाए नीचे ना आए। ये रास्ता जा रहा है दोस्तों, इतनी छोटी
तो गाइस ये देखें मैंने छापर लगा दिए, अभी जो है ना इंशाल्लाह पानी जमीन में बिल्कुल भी जज्ब नहीं होगा, और वो देखें उनका भी काम लगे हुए। तो आज देखें किसका कबीला किसका स्विमिंग पूल कितना अच्छा बनता है। हमारा तो माशाल्लाह बन चुका है ये, अभी हम जो है ना इसके इर्द गिर्द अच्छी सी क्या कहते हैं ईंटें लगाएंगे, वहाँ से उठा कर लाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, बहुत ही मजे का बनेगा। फिर बाद में मिट्टी भी लगाएंगे, अभी हम जो है ना इसका बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। ये ईंटें लगा के हम लगा लेते हैं इसके इर्द गिर्द ऐसे करके आराम से लगाएंगे ताकि जो छापर है हमारा डैमेज ना हो। सर्कल में ईंट लगानी है ना ताकि प्यारा भी लगे ना। तो दरअसल हमारा कंपटीशन खूबसूरती का भी है कि इसका पॉइंट कितना खूबसूरत होगा, तो ये तो आपने कमेंट्स करके बताना है कि इसका खूबसूरत है जी। ये अभी सिर्फ जो है ना पानी डाल रहे हैं हमारे कबीले के पॉइंट में। तो जी ये देखें इनका जो है ना स्विमिंग पूल बन चुका है। ये जो है ना अंडरग्राउंड नहीं, हमारा तो अंडरग्राउंड जो है ना स्विमिंग पूल है। ये देखें ये रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया हमारा। अगर इसका ब्लू कलर होता कितना प्यारा हो जाता यार छापर का। अगर नील ला के डाल दो, नील डालना पड़ेगा थोड़ा सा क्यों मान। ये देखें गाइस कितना क्लियर नीचे से मट्टी नजर आ रही है इसके छापर के नीचे से। छापर में दिल कर रहा है इसके अंदर बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ यार, बहुत ज्यादा है वैसे। आओ ना गाइस, बहुत गर्मी है इस वक्त, कैप भी लगाई हुई है फिर भी बहुत गर्मी जो है ना लग रही है। अब जो है पॉन्ड के लिए पानी लेके जा रहे हैं। बड़ी भारी है यार, भारी तो है यार। ये देखें अभी रेडी तो नहीं हुआ, बस कुछ हो गया पानी डालने के लिए रेडी हो गया। एक चीज रह गई है, क्या कुछ तो काम है पौधे। हाँ तो वो रहते हैं, पौधे लगाने पड़ेंगे यार। चलो वो भी लगाते हैं, लेकिन कोर मेरे ख्याल से शायद ये ज्यादा होगी या इसमें कोर भी डाल दें पानी। एक और डाल लेते हैं, कोर डाल देते हैं। ये फट ना जाए यार, नहीं कुछ होता यार, डबल छापर है ना उसकी वजह। अगर फट गई तो इंशाल्लाह वो छापर पड़ा हुआ है कितना बड़ा, हम हाँ न्यू लगा लेंगे। तो दोस्तों आपने इंसाफ करने किसका प्यारा बना, ये देख लें आप, साफ शफाफ पानी है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसमें चला जाऊं। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत दिल कर रहा है। वो अजीब सा बनाया हुआ है, पता नहीं क्या दीवारें चीन बना दी है उन्होंने। हमारा तो देखे इतना प्यारा बना है, तो आपने लाजमी बताना है, बल्कि आपने लाजमी कॉमेंट्स में मारा जो है ना पाक कबीला लिखना है कि पाक कबीले का स्विमिंग पूल अच्छा है। उनका नहीं अच्छा यार, वो देखो रेडी में उन्होंने बनाया हुआ। ये देखो उनकी फौज भी चली गई है, आज देखते हैं किसको ज्यादा पसंद है। तो ये देखिए ये चली गई है इनकी फौज, सभी जा रही है आगे चले गए ऊपर। देखिए वो गई, वो गई उधर से सीखो रन। तो दोस्तों अभी हम जो है ना गुलाब अपने जो स्विमिंग पूल है उसके आगे इर्द गिर्द लगाएंगे। पौधे हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि पौधों को जो है ना बहुत ज्यादा धूप और पानी चाहिए होता है। पानी तो दरअसल उतर है लेकिन धूप बहुत कम होती है, इसलिए हम गुलाब लगाएंगे। ये कट गई, तो ये कलम रेडी हो चुकी है हमारी, अभी दूसरी भी लगाते हैं। तो गाइस अभी वो पौधे लगा रहे हैं, वो देखें उस जगह पर एक वहां पे लगेगा एक यहां पे लगेगा। हाँ तो पेपी मजा आ रहा है, शायद कोई मेरे नहाने का मन कर रहा है यार। यार बहुत ठंडा पानी है कसम से, पानी आय हाय हाय यार। बच्चों को छोड़ो हम वो ही रह जाते हैं यहाँ पर, ये घर बनाया है इसमें हम रहेंगे यहाँ पे जो है ना बनाएंगे। हाँ तो छोड़ दें पेपी इसको, बच्चों को इसके अंदर। हाँ छोड़ देते हैं। तो गाइस ये हमारे सैफ भाई है, इनका चैनल है पाक बर्ड्स लवर, तो आपने लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, हमारी तरह पेट्स व्लॉग बनाते हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगी इनकी वीडियोस, तो लाजमी इनका चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस इनकी डक्स आ चुकी हैं यहाँ पर, अभी ये जो है ना पानी भी डालने लगे हैं, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अभी अभी प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से जाओ, चलो जाओ वो रास्ता ना वो 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 ये गो 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 ओ जा रही हो चली गई ये इधर सुतर आएंगे और डर रही क्यों है यार। पता डर गई है ओ यार, ये तो वापस आ रही है यार, ये निकल गई उनका नहीं बजाना गाइस इनको। वो देखो भाग गई है सारी, गाइस इनको नहीं पसंद आई ये जगह। हाँ तनमान ये आपको स्विमिंग पूल आ चुका है, क्या करेंगे आप? वो असल में ऊंची जगह है ना, तो उन्होंने ऐसी जगह पहले कभी देखी नहीं है। बस आप हार चुके हैं, आप ऐसी बातें ही करेंगे क्यों जुबैर। तो गाइस इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे पूल से भागेंगे नहीं। तो ये देखिए अभी फौज जा रही है सारी, चलो 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 ये इनको मुझे लगता है पसंद आ गए ये। जाओ 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 ना, मैंने रास्ता ये वाला बनाया था लेकिन
कितना खुश है। चलो अंदर जाओ, ये देखो ईट मोड़ लेते हम यहाँ से ताकि ये चढ़ ना सके। दोस्तों कितना पसंद आया उनको? देखे अभी वो देखे सेट हो गए, दरमियान वाली वो देखे हम मस्ती कर रहे हैं। हमारे साथ नहीं नहीं कोई चीटिंग नहीं की है, इन्होंने चीटिंग की, इन्होंने जोर से फेंका इनको अंदर। नहीं फेंका, वो देखे वो देखे वो बेचारी मस्कीने, वो थोड़ा सा भी डर रही है, वो नई जगह पे आई है इसलिए डर रही है। वो देखे दरमियान वाली, आप दरमियान वाली को देखे वो खुश हो रही है अभी, वो नहीं तंग हो रही। ये देखें अभी ठीक हो गई, स्टेबल हो गई देखे गाइस, हमारा पूल पसंद आया इनको। नुमान जो है ना जबरदस्ती अपनी बतखों को जो है ना अपना स्विमिंग पूल पसंद करवाएगा आज। देखे वो ले गए दो बतखों को, ले गए अभी दो को और लेके जाएंगे। चार बत्ती हमारी और हम इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये देखो ये बाहर निकलना चाहिए क्या बात। हाँ लक्ष्मण थोड़ी देर छोड़ो, रहने हाँ थोड़ी देर छोड़ के रखें, हिल जाएंगी थोड़ा सा। हो जुली हो जुली, सेट हो गई वो देखे, सेट हो गई। तो दोस्तों अभी हम इसके आगे थोड़ी सी रोटी डालते हैं। बतखों को मैंने देखे कि वो पानी के अंदर चली जाती है फिर एकदम बाहर आ जाती है। अभी हम ट्राई करते हैं कि ये पानी के अंदर जाती है कि नहीं। ये देखे कि मुझे लगता है अभी शायद छोटी है इसलिए वो डर रही है। वो देखे खा रही है, खा रही है। ये इनको काफी, मेरा पौंड काफी पसंद आया है इनको, जबकि दूसरे पौंड में थी बाकी आई है। तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि किसका पौंड कितना प्यारा है, मेरा पौंड या उनका पौंड। मैं आपको उनका पौंड दोबारा भी दिखा दूंगा फाइनल जो बने। और ये देखे माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन छोटी छोटी पाव ला रही है, कितना मजे का है। ये गई तो दोस्तों ये रहा जी इनका पूल और ये विलेज ग्रुप और हम पेपी और मैं हम पाक ग्रुप। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है किसका पूल ज्यादा प्यारा बना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।